गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं श्री अंजनी कुमार प्रजापति। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के सारे टॉपिक्स। फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे। वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं होंगे, छोटे छोटे पार्टों में हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज बीएससी पार्ट थ्री का हम लोग जो टॉपिक लेने चल रहे हैं वो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में, और जब भी हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं तो मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में क्यों ज़रूरत पड़ी, फिजिक्स का क्या है ऐसा इसका कनेक्शन। के सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही पढ़ते हैं तो हम लोग वो सारी बेसिक आइडिया आज हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है इस पर हम लोग डिटेल में इसी इंट्रोडक्शनरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चैनल में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश में नहीं भी समझ में आता है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हिंदी भी नहीं समझ में आता है। तो हम बाई लैंग्वेज बात करेंगे कि एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देश फ्रेम। तो ये है निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? डियर स्टूडेंट, आई वी नो ऑल ऑफ यू, हम सभी लोग जानते हैं एक ये बात कि जो मोशन है कभी भी निरपेक्ष नहीं होगी, सापेक्षिक होती है। मतलब मोशन एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव होती है। आज के टाइम पर यह चीज प्रूव हो गया था कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। ये हम लोग एक एक्टिविटी से या हम कह सकते हैं कि एग्जांपल से भी हम लोग अभी प्रूव भी कर लेंगे, एक एग्जांपल से प्रूव कर लेंगे कि मोशन क्या है। एक सापेक्षिक चीज है, निरपेक्षिक नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक रिलेटिव चीज है। और मोशन का अकेले अगर हम बात करें कि मोशन क्या है, तो मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, किस तरीके के मोशन में है, यानी कि ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉडी हमें देना होता है। या हम ऐसे भी कह रहे हैं कि हमें मोशन को डिफाइंड करने के लिए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या वेल डिफाइंड एक सिस्टम की जरूरत पड़ गई, जिससे कि हेल्प से हमें मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ा। और जिस वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी मोशन को डिफाइंड करने के लिए, हम उस कार्टून उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड जो कह सकते हैं कि बेसिक आइडियाज हैं, उस आइडियाज को जहां पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या। अगर हम देखें कि मेरे पास एक ट्रेन है, सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर अपॉन आवर, और ये जो ट्रेन है किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में है,
और इस ट्रेन के इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने 3 ऑब्जर्वर लगा दिए। एक ऑब्जर्वर सपोज कर लेते हैं कि इस ट्रेन की किसी एक साइड इधर या इधर किसी एक साइड में है, मैंने इस साइड में एक ऑब्जर्वर को बैठा दिया। कहां पर बैठाया है? ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, यहां पर मैंने इसको बैठा लिया। और इस ऑब्जर्वर का, ये जो ऑब्जर्वर है, इसके साथ और एक ट्रेजेडी हमने कर दी कि इसकी स्पीड जो है, जो इसकी वेलोसिटी है, ये सब कुछ मैंने जीरो कर रखा है। या मैं ऐसा कह दूं कि एक ही जो कंडीशन है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, वो स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, इसकी स्पीड जीरो है। जब ये स्पीड इसकी जीरो है और ये इस मूविंग ट्रेन को देखा जो कि 40 किलोमीटर अपॉन आवर की स्पीड से जा रही है किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर अपॉन आवर। ये इसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्व किया। लेकिन हमने शुरुआत में कहा कि इस ट्रेन की स्पीड को समझने के लिए हमें 3 ऑब्जर्वर की जरूरत है। मैंने एक ऑब्जर्वर का कैरेक्टरिस्टिक यहां पर रिप्रेजेंट किया, मैं एक दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा हूं जो ऑब्जर्वर यहां पर है और उस ऑब्जर्वर का नाम है बी। लेकिन इस ऑब्जर्वर का जो नाम बी है, इसको मैंने इस ट्रेन के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको सेट कर रखा है, अपोजिट टू द ट्रेन ए, ट्रेन, तो ट्रेन के अपोजिट हमने सेट कर दिया। लेकिन इसका मैंने जो करेक्टर डिसाइड किया वो अब की बार रेस्ट में नहीं है, यानी कि इसकी स्पीड जीरो नहीं है। यहाँ रेस्ट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि इसकी स्पीड जीरो नहीं है, यानी कि बी क्या है? एक मूविंग ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑब्जर्वर है, मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर की स्पीड को भी हम यहाँ डिसाइड करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर अपॉन आवर की है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो हमारी इस बी और ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी आ रही है 50 किलोमीटर अपॉन आवर का रहा है। ये 40 और प्लस है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इंटर पढ़ कर आए हैं, 10+2 पढ़ कर आए हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का ऐड करने का ये तरीका है, ये सब आपको मालूम होगा। तो ये दोनों जब यहाँ पर अपोजिट हुए तो ये पता चला कि ये जो इसके हिसाब से ट्रेन की स्पीड है वो 50 किलोमीटर अपॉन आवर है। अगर मैं तीसरे ऑब्जर्वर को देखूं और तीसरा ऑब्जर्वर मैं यहाँ पर सेट करूँ जिसका नाम सी है, और इस ऑब्जर्वर को भी मैं स्टेशनरी नहीं रख रहा हूँ, स्टेशनरी नहीं रख रहा हूँ, ये भी हमारा मूव कर रहा है, ये मूविंग कंडीशन में है, स्टेशनरी नहीं है, ये मूविंग कंडीशन में है, और इसकी भी स्पीड मैंने 10 किलोमीटर अपॉन आवर सेट कर दी है। तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन की स्पीड है, सी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन की स्पीड है, वो मैं देखूंगा कि वो 30 किलोमीटर अपॉन आवर की स्पीड है। तो ये जो हमने देखा कि ए और बी और सी तीनों ऑब्जर्वर हैं, और इन ऑब्जर्वर का मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज कर दिया, बस पोजीशन चेंज किया, ए को रेस्ट में रखा, बी को हमने क्या किया कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के चला दिया, और सी को मैंने सेम डायरेक्शन में चला दिया, इसका जो है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन है इस ऑब्जर्वर का, बस ये सेम डायरेक्शन में गया, ये अपोजिट में आया और ए को रेस्ट में रखा। तो यहाँ पर ए बी सी ने इस ट्रेन की जो स्पीड है उसको जो ऑब्जर्व किया वो सिर्फ प्लेस के बदल जाने से,
स्थान के बदल जाने से, पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से इन लोगों ने अलग अलग इस ट्रेन की स्पीड का अपने अपने रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया। और इससे भी हटके अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को देखूं और एक ऑब्जर्वर को, मान लो कि वो एक ऑब्जर्वर डी है और फिर डी को इस ट्रेन में बैठा दो तो उसको कमान ही कर देगा, वो अलग तरीके का अपना ही ढंग कर देगा। और आप डी को जब ट्रेन में बैठा दिए और अब आप उससे पूछिए कि अब ट्रेन की स्पीड क्या है या आप क्या कर रहे हो, तो फोन लगा के जब आपने पूछा कि तो ट्रेन में जो बैठा डी ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, मैं तो ट्रेन में सो रहा हूँ। उसका एक अलग कहानी चलने लगी कि अब वो डी जो है वो सो रहा है, उसमें घूम रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब ए ने देखा तो डी की स्पीड तो वही है जो ट्रेन की स्पीड है। तो ये जो हुआ ना चमत्कार डी के लिए, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी उस ट्रेन का ही अब पार्टिकल बन गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ट्रेन हो गया है डी। तो हम ऑब्वियसली अगर इन सारी चीजों को देखें तो देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि हमें किसी वेल डिफाइंड एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां से हम मोशन को अलग अलग तरीके से न डिफाइंड करके किसी एक ही फ्रेम में रखें, एक ही किसी पैमाने में रखें और मोशन के टोटल इंफॉर्मेशन को हम वहां पर कैलकुलेट कर लें, जो मोशन के का इंफॉर्मेशन दे उस टोटल पैरामीटर को हम वहां पर कैलकुलेट कर लें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक जो कॉन्सेप्ट आया उस कॉन्सेप्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला गया, कि इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या वेल डिफाइंड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो जरूरत पड़ी उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन मैं यहाँ पर बोल कर रहा हूँ, सच अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस relative to which the motion of an object is described is called frame of reference, frame of reference. तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, कि सच अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेटेड टू व्हिच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमें जो जरूरत पड़ी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को वेल डिफाइंड करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ी उस जरूरत को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला गया। और क्या डेफिनेशन दिया गया कि ये डायवर्स सिस्टम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड रिलेशन रखता हो और उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाए उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आगे है इसी में दस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference is a system of coordinate axes which defines the position of particle or an event
इन टू और थ्री डायमेंशन डायमेंशनल स्पेस तो किसी भी मोशन को बढ़िया से एक्सप्लेन करना है तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी हम लोग वो समझ गए कि वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि द सब फ्रेम ऑफ द डिफरेंस इन द सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और द इवेंट। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या किसी इवेंट को हम फुल्ली अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चाहे वो टू डायमेंशनल में हो चाहे वो थ्री डायमेंशनल में हो, तो हमें एक क्या करना होगा, किसकी जरूरत होगी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी। और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही हम उस ऑब्जेक्ट के पूरे इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, चाहे वो टू डायमेंशनल हो चाहे वो थ्री डायमेंशनल। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से उसकी पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया गया उसमें से सबसे सिंपलेस्ट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कहें तो वो हम लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री एक्सिस अगर हम लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो इसके अलोंग हम लोग जो पोजिशन वेक्टर लेते हैं उस पोजिशन वेक्टर को हम कहें या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजिशन वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हम लिखें तो वो पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई और वाई जे और प्लस जेड के। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पोजिशन वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही कह सकते हैं कि एक सिंपलेस्ट जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें से है। और जो यहाँ पर x है, x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द x एक्सिस, y इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द y एक्सिस एंड z इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द z एक्सिस एंड i j k इज अ यूनिट वेक्टर अराउंड द x y एंड z एक्सिस। ये किसी एक सिंपलेस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पोजिशन लिखा गया है पार्टिकल का। अगर मैं उसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि इसी पोजीशन का, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की बात करें तो वेलोसिटी हमारी इसी पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का एक बार टी के रिस्पेक्ट टी फॉर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाता है dx अपॉन dt और यूनिट वेक्टर i dy by dt यूनिट वेक्टर j और dz by dt और यूनिट वेक्टर k हो जाता है। थोड़ा सा इस पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से आगे अगर हम सोचें जो मोशन के फुल इंफॉर्मेशन को देता है, मोशन की इंफॉर्मेशन को पोजीशन और टाइम भी देता है, लेकिन पोजीशन और टाइम मिलकर कई सारे मोशन से रिलेटेड फिजिकल पैरामीटर को इन्वेंट करते हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा और हटकर देखें तो इससे एक बार अगर और हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल a एंड दिस इक्वेशन विल बिकम्स देन डी टू आर अपॉन डी टी टू। और यहाँ पर ये इक्वेशन लिखने का मतलब हुआ कि हम वेलोसिटी वाले इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी। और अब अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू और यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा बेटे, और डी टू वाई अपॉन डी टी टू हो जाएगा और यूनिट वेक्टर जे, और प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी टू और यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने ये देखा इन तीनों इक्वेशन से कि हमारा जो पोजीशन है अगर उसमें टाइम हम कर ले आते हैं, पोजीशन के साथ टाइम ले आते हैं तो किसी भी मोशन को हम वेल डिफाइंड या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब कर ले जाते हैं, क्योंकि मोशन को एक्सप्लेन करने वाले यही सारे पैरामीटर हैं। तो मोशन को फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए जो पैरामीटर की जरूरत हुई वो पहला तो है पोजीशन और दूसरा जो है वो टाइम है।
तो पोजीशन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट है या कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें टाइम भी जोड़ दिए तो ये फोर पॉइंट बन जाते हैं। तो ऐसे जो हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एक्स वाई जेड और टी मिलाकर बनते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट को या ऐसे जो फुल इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया है उसी तरह से ऐसे चलना है पूरा। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम बिट सच अ फोर कोऑर्डिनेट एक्स हो, वाई हो और जेड हो और साथ में टाइम हो, इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर ये हो गया कि आ रेफरेंस फ्रेम विथ सच अ फोर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी, इसी को हम स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जब हमारे पास केवल एक्स वाई और जेड होगा तो केवल ये स्पेस कोऑर्डिनेट है या स्पेस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर टी भी आ गया तो स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। और याद रखना कि स्पेस टाइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ये कोऑर्डिनेट है, ये दिस इज द गिव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन देगा। हम इसी में और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आगे भी नोट कर ले सकते हैं कि दिस इज द, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट require its position and time of occurrence। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को वेल डिफाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पोजिशन चाहिए और टाइम चाहिए, और ये दोनों मिलकर उस अकरेंस फील को या इवेंट को फुल डिफाइंड कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी किसी मोशन, क्योंकि हमें मोशन पता था कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के जब मोशन को एक्सप्लेन करते थे तो वो मोशन जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाता था, इसलिए हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो मोशन के हर एक पहलू को अच्छे से डिस्क्राइब कर ले। और आपको ये भी बता दें, इस पूरे ब्रह्मांड में इनफाइनाइट अनंत फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उस अनंत फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से ही हमारी अर्थ भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं और दैनिक जीवन की सारी एक्टिविटी करते हैं, और आज अपने आप को हम डेवलप फॉर्म में यहाँ पर बताते हैं। तो बेटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये जो ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट था ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप क्या हैं और कौन से टाइप में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का न्यूटन्स लॉ वैलिड है, कौन से टाइप्स में नहीं वैलिड है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग कैसे कैसे ऐसे फोर्स इमेजिनरी आ जाते हैं जो किसी बॉडी पर एक्ट तो होते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटेड आ जाते हैं। उन सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में बात करेंगे।
और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड और भी जानकारियाँ लेंगे।